Okay, good morning. Today I will discuss a topic that is the renewable energy and non-renewable energy resources and energy conversion. So basically, renewable energy is also known as the non-conventional energy resources. So here we discuss about the renewable and non-renewable energy resources and its energy conversion. एनर्जी की मीनिंग क्या है? एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ फोर्स आर पावर व्हेन अप्लाइड कैन मूव वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। जैसे कि कोई फोर्स या पावर हम लगाएं और एक बॉडी को एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस पे रखें तो हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे कि एस सच हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक टेबल को यहाँ से उठा के हाफ है किलोमीटर दूर रखना है, तो सबसे पहले या तो हम ये प्रोसेस मैन्युअली दो लोग पकड़ के टेबल को यहाँ से लेके वहाँ तक लेके जाएंगे, या एक हम दूसरा जो तरीका है टेबल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस रखने का, हम उसको किसी व्हीकल के अंदर रखेंगे टेबल को और कार मूव करेगी और जिसके थ्रू हम टेबल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करेंगे। अनदर अगर हम इसको डिफाइन करें तो एनर्जी कैन डिफाइन द कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम दैट टू डू वर्क। एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम दैट अमाउंट ऑफ फोर्स आर पावर व्हेन अप्लाइड कैन मूव वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। अनदर एनर्जी डिफाइन द कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू डू वर्क एंड एनर्जी एग्जिस्ट इन एवरी बॉडी वेदर दे आर ह्यूमन beings or animals or non-living things. Example, jet, light, machine. हर एक बॉडी के अंदर एनर्जी मौजूद रहती है जिसका एग्जिस्टेंस होता है। एनर्जी इज इनिशियली रिलेटेड टू पावर। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन टू द फॉर्म ऑफ टोटल एनर्जी विल रिमेन द सेम। जैसे एग्जाम्पल है, अगर हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, व्हेन यू चार्ज योर मोबाइल फोन द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी व्हिच गेट्स स्टोर्ड इनसाइड द बैटरी। हम डेली रूटीन पे एक कैपेसिटी है कि मोबाइल हमारा दो दिन तीन दिन तक चार्ज रह सकता है, उसके बाद हमें उसको चार्ज दोबारा करना पड़ता है। तो जब भी हम मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं तो मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते वक्त हम क्या देते हैं, उसको पावर सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। वो एनर्जी क्या करता है, मोबाइल के अंदर जो स्टोर होता है केमिकल एनर्जी के रूप में फॉर्म होता है। जैसे कि हमारी लिथियम ब्रोमाइड की जो बैटरी होती है वो जो इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्टेन करके केमिकल एनर्जी में रिलीज करता है जो कि बैटरी के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं। So it is the law of conversion of energy. Any form of energy can be converted into the form of another form. Now, energy and environment. Energy and environment have a strong relationship. The production and consumption of energy is one of the biggest cause of environment damage on Earth. अगर हम बहुत ज़्यादा energy का इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज़्यादा energy का production करते हैं और बहुत यूज़ भी करते हैं तो इसके वजह से इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है। जैसे कि हम लोग जनरली देखते हैं कि कन्वेंशनल सिस्टम में जैसे कि फॉसिल फ्यूल है, ऑयल है, नेचुरल है, गैस है, इन सब का जब हम लोग यूज़ में लाते हैं तो क्या होता है, इससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट गैसेस, फ्लू गैसेस ये जनरेट होती है जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत हैजार्डस होती है। अब हम लोगों को एक लिमिटेड अमाउंट में जो पावर कंजम्पशन है वो अगर हमें करना है तो हमें डेफिनेटली जिस दूसरे अल्टरनेट मेथड की ओर जाना होगा जो कि हमारा रीन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है जिसको हम कहते हैं NCER, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सिस्टम। इट लीड्स टू लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल लैंडस्केप एंड हैबिटेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्यूल एक्सट्रैक्शन, pollution of soil and climate change. Energy is the heart of many of the world's current
and environment problems and poses many problems for the sustainable development. Now, the energy production that includes environment and health issue, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन है उसके वजह से क्या होता है, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट, अस्थमा जैसी बीमारी होगी, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिन्स, स्मॉग। तो एनर्जी प्रोडक्शन अगर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उससे जो फ्लू गैसेज या हार्मफुल गैसेज होती हैं जो कि मेनी जगह पे इसका इफेक्ट होता है, ड्यू टू द प्रोडक्शन एंड एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड द कॉस्ट। आप लोगों को आप कितने बजे ठीक है, हम क्लास लेते हैं। एनर्जी कैन हैव मेनी फॉर्म्स, काइनेटिक पोटेंशियल, लाइट, साउंड, ग्रेविटेशनल, इलास्टिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर। एनर्जी जो कन्वर्ट होती है वो या काइनेटिक होगी या पोटेंशियल, लाइट, साउंड, ग्रेविटेशनल, इलास्टिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एनर्जी आर broadly classified into two main group, one is the renewable energy, another one is the non renewable energy. The main generation of the electricity that is in US, that US primary energy consumptions by source and sector 2008, coal se 23%, natural gas se 24% and petroleum se 37%. These are the allocations of percentage wise, that petroleum 37, coal 23, natural gas 24%, और renewable energy से हमें जो electricity अमेरिका की स्टैंडर्ड से देखें तो 7% मिल रही है, और nuclear electric power जो है वो 9% मिल रहा है। अब देखिए इतना ज़्यादा हम लोग डिपेंड हो गए हैं conventional energy system पे, जो कि आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए हमें कुछ अल्टरनेट मेथड पे जाना है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल और इलेक्ट्रिक पावर। नाउ रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज जनरेट फ्रॉम सोर्स सन, विंड, रेन, टाइड्स एंड कैन बी जनरेटेड अगेन एंड अगेन as when required. Now they are available in plenty and by far most the cleanest source of energy available on this product. Renewable technology are suited to large scale production and small off grid applications. Main form of renewable energy: wind energy, hydro energy, solar energy, biofuel energy and geothermal energy. Wind energy के थ्रू हम electricity obtain करते हैं। Now hydro energy के थ्रू electricity obtain करते हैं। Solar energy के थ्रू, biofuel के थ्रू and geothermal के थ्रू हम energy को obtain करते हैं। Now wind power. Wind power क्या है, जैसे air flows कैन बी यूज टू रन विंड टर्बाइन। विंड की जो ब्लेड्स हैं वो मूव करती हैं एयर फ्लॉज के लिए। एरिया वेयर विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड मोर कॉन्स्टेंट सच एज ऑफ शोर एंड हाई अल्टीट्यूड साइट्स आर प्रिफर्ड लोकेशन फॉर विंड फार्म्स। जहाँ पे विंड हमें मिलेगी वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टावर लगाते हैं और टावर के ऊपर ब्लेड्स माउंट होती है। तो द एरिया वेयर विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड मोर कॉन्स्टेंट सच एज ऑफ शोर एंड हाई एल्टीट्यूड साइट आर प्रिफर्ड लोकेशन फॉर विंड फार्म्स। नाउ विंड एनर्जी इज बिलीव्ड टू बी 5 टाइम्स टोटल करेंट ग्लोबल एनर्जी प्रोडक्शन आर 40 टाइम्स करेंट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। जो विंड एनर्जी है वो 5 टाइम्स टोटल करंट ग्लोबल एनर्जी प्रोडक्शन और 40 टाइम्स करंट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड से हमारा जनरेट होता है। दिस कुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड टू बी यूज्ड फॉर विंड टर्बाइन, पर्टिकुलरली इन एरिया ऑफ हायर विंड रिसोर्सेज
ऑफ फोर्स री फोर्स एक्सपीरियंस विंड स्पीड ऑफ 90% ग्रेटर देन दैट ऑफ लैंड. विंड पावर प्रोड्यूसेस नो ग्रीन हाउस गैसेस ड्यूरिंग ऑपरेशन एंड पावर इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 30% मैनुअली विथ ए वर्ल्ड वाइड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 1,57,900 मेगावाट. हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं जनरली डैम के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, उस पानी का हम इस्तेमाल करते हैं. पानी को डैम जब भी होता है इस तरीके से बनाया जाता है कि वाटर का जो प्रेशर होता है वो डैम के सरफेस से कम पड़े, लेकिन जब हाई लेवल से लो लेवल की तरफ वाटर ट्रांसफर होता है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो इसमें अगर हम देखें कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ ए टर्म यूजली रिवर्स फॉर ए लार्ज स्केल हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स. द माइक्रो हाइड्रो सिस्टम्स आर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉलेशन दैट टिपिकली प्रोड्यूस अप टू 100 किलोवाट ऑफ पावर. दे आर ऑफन यूज्ड इन वाटर रिच एरियाज एज ए रिमोट एरिया पावर सप्लाई. नाउ डैमलेस हाइड्रो सिस्टम ड्राइव काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम रिवर्स एंड ओशियंस विदाउट यूजिंग ए डैम. Ocean energy describes all the technologies to harness energy from the ocean and the sea. This includes marine current power, ocean thermal energy conversion and tidal power. Now, solar energy. The solar energy is the energy derived from the sun energy it into the form of the electrical energy or the sun through the form of solar radiation. The solar power electric generation relies on photovoltaics and heat engines. Partial list of other applications include daylighting, solar hot water, solar cooking, and high temperature process heat for industrial purpose. Solar technologies are broadly characterized as either passive solar or active solar, depending on the way they capture, convert, and distribute the solar energy. The active solar techniques include the use of photovoltaic panels and solar thermal collectors. To harness the energy, passive solar techniques include orienting a building to the sun, selecting materials with favorable thermal mass or light disappearing properties, and designing a space that naturally circulates. So, main energy we solar se karte hai, small power production bhi karte hai, large scale bhi power production karte hai. घरों में विलेजेस में हम जनरली देखते हैं कि सोलर सेल के मीडियम से हम पंप लगा के उस पंप को रोटेट कराते हैं सोलर एनर्जी से. घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो हम हर एक घर में छत के ऊपर सोलर प्लेट लगा देते हैं जिसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोलर हीटिंग, वन इज पैसिव हीटिंग एंड अदर वन इज द एक्टिव हीटिंग. द पैसिव सोलर टेक्निक्स इंक्लूड ओरिएंटिंग ए बिल्डिंग टू द सन, selecting material which favorable thermal mass or light dispersing properties, and designing space that naturally circulate air. Now biofuel. Basically, nowadays the biofuel plays a very important role into the nation. The liquid biofuel is usually either bioalcohol such as bioethanol or an oil such as biodiesel. Bioethanol is an alcohol that widely most from sugar, starch, crops. जो bioethanol से हम लोग biofuel बनाते हैं वो bioethanol जो होता है alcohol एक तरीके से, वो generally sugar और starch के जो crops होते हैं which advanced technology being developed biofuel that cellulic biomass such as trees and the grasses are also used as feedstock for ethanol production. Ethanol can be used as a fuel for vehicle in its pure form, but it is usually based as a gasoline additives to be increased octane and improve vehicle emissions. Kuch additives hum mila dete hain, ethanol ka hum use karte hain as a fuel for vehicles in its pure form of ethanol that are directly used in the vehicles for the power generation, but it is usually used as a gasoline additives to increase octane number.
Bioethanol is widely used in the USA and Brazil. Now, biodiesel, it is the setup of the biofuels that the biodiesel is made from vegetable soils, animals' fats, or recycled wastes. Biodiesel can be used as a fuel for vehicle in its pure form. जो भी फ्यूल हम लोग व्हीकल में यूज़ करते हैं बायोडीजल से जो प्योर आपका गैसेस फॉर्म अगर हमें करना है मतलब ह्यूमन में हैजार्डस कम होगा तो उसके लिए हम बायोफ्यूल का इस्तेमाल करेंगे बट इट इज़ यूजुअली यूज एज ए डीजल एडिटिव्स टू रिड्यूस लेवल्स ऑफ पार्टिकुलेट्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम डीजल पावर्ड व्हीकल. Biodiesel is produced from oils or fats and is the most common biofuel in Europe. Biofuels provide 1.8% of the world transport fuel in 2008. Now, come to the geothermal energy. In geothermal energy, that the energy that is extracted from the earth core. We know that after the heating of the earth's surface, the temperature of the earth will be high, that there are various types of the volcanoes, magma and solid rocks are to be present inside the earth. So the energy that the, when the volcanoes will be generated, the surrounding water will be heated by the volcanoes heat and that heat is converted into the form of the steam. The steam is to be extracted with the help of the pipeline through the well, and this steam is to be supplied through the various industries or domestic purposes. The geothermal energy is the energy that obtained by tapping the heat of the earth crust in the some places of the globe are from some meters in the geothermal heat pump in the all places of the planet. This energy drives from heat in the earth core. There is also the potential to generate geothermal energy from hot dry rocks, जिसको हम बोलते हैं एच डी आर. होल्स एट लीस्ट 3 किलोमीटर डीप आर ड्रिल्ड इन टू द अर्थ. अर्थ के अंदर हम 3 किलोमीटर का होल कर देते हैं और वहाँ पर हम एक पाइप लाइन इंसर्ट करते हैं. होल्स एट लीस्ट 3 किलोमीटर डीप आर ड्रिल्ड इन टू द अर्थ. सम ऑफ दीज होल्स पम्प्स वाटर इन टू द अर्थ वाइल अदर होल्स पम्प्स हॉट वाटर आउट. Now, 3 types of power plants are used to generate power from geothermal energy. 3 तरीके का power plant जो है हम geothermal energy के through यूज में लाते हैं. सबसे पहला है dry steam power plants. Takes steam out of fracture in the ground and use it directly dry wind turbine that spins a generator. Dry steam, flash steam or binary system. Binary system, dry steam plants take steam out of fractures in the ground and use it to directly drive a turbine that spins a generator. The flash plants take hot water and usually at temperatures over 200 degree centigrade. In this the 200 degree centigrade temperature out of the ground and allows to boil as it rises to the surface, then separates the steam phases in the steam oblique water and then runs the steam turbines through the turbine. In binary plants, the hot water flows through the heat exchanger boiling an organic fluid that spins the turbine. Now the condensed steam and remaining geothermal fluid from all the 3 types of plants are injected back into the hot rock to pick up from heat. Now there are 2 types of geothermal energy. One is the hydro energy and another one is the petrol energy. हाइड्रो एनर्जी में बेसिकली क्या है दैट जियो थर्मल एनर्जी रिसोर्स पेट्रोल एनर्जी में जियो थर्मल एनर्जी को डिपोज.
तो हाइड्रो जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्स आर द डिपॉजिट ऑफ हॉट वाटर एंड स्टीम एट रिलेटिवली लेजर डेप्थ अप टू 3000 मीटर. हॉट वाटर एंड स्टीम कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सच डिपॉजिट बाई मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन वेल. पेट्रोकेमिकल आर जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज आर द हॉट ड्राइंग रॉक्स around 200 degrees centigrade and depths about 2000 meter for important deposit of geothermal energy. Now, estimated renewable energy potential and cumulative achievements in India. Bioenergy se established potential jo hai wo 66000 ton, wind power se 45000 ton, small hydro se 15000 ton. वेस्ट एनर्जी से 2700 मेगावाट है. डिसेंट्रलाइजमेंट हाउस होल्ड बायोगैस से 1.2 मिलियन यूनिट है एंड होम फोटोवोल्टेक से जनरेट होता है. अगर हम बात करें एस्टेब्लिश्ड पोटेंशियल एनर्जी में सबसे ज़्यादा जो है दैट ऑब्टेन थ्रू द बायो एनर्जी. Now, advantages: wide availability, lower running cost, decentralized power production, and low pollution available for the free, feasible future. तो इसका जो major advantage है वो हमारा wide availability पे है, lower running cost पे है, decentralized power production पे है, low population पे है. These are the available for foreseeable future. Now its disadvantages: vulnerable supply, usually product in small quantities, often very difficult to store. Currently per unit cost of energy is more compared to the other types. Now non-renewable resources: this is the coal, another one is the plant of the fossil fuels. And non-renewable resources is a natural resources that cannot be renewed or regrown at a scale comparable to its consumption. हम वो कोल को ना ही बना सकते हैं, पेट्रोल को हम प्योरीफाई तो कर सकते हैं सम स्केल पर, बट उसको हम लोग जनरेट नहीं कर सकते. द टाइप्स इन द non-renewable energy, that the nuclear energy, natural gas, coal and oil. Nuclear energy: nuclear fission uses uranium to create energy. जब भी हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो यूरेनियम एक ऐसा मटीरियल है जो टू द न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस वी जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. न्यूक्लियर एनर्जी इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज वंस द यूरेनियम इज यूज इट इज गॉन. So nuclear energy is a non-renewable energy. The coal, petroleum and gas. Coal, petroleum and natural gas are considered non-renewable energy because they cannot be replenished in a short period of time. These are called fossil fuels. Now fossil fuels. What is fossil fuels? The natural resource such as coal, petroleum, oil and natural gas takes thousands of years to form naturally and cannot be replaced as fast as they are being consumed. The extraction of fuel by mining, drilling and quarrying. Coal. India accounts for about 0.8% of the total geological survey, that 5.7% of the total proven reserve of coal in the world. The bulk of the coal produced is inferior grade non-cooking coal used to meet the demands of the power sector. जो भी कोल हमको ज़मीन के नीचे से मिलता है वो डायरेक्टली लोग यूज में नहीं होता है, उसका हम प्रोसेस करते हैं देन वी यूज द कोल. नाउ हाउ इज कोल मेड? कोल जनरली जनरेट कैसे होता है या बनता कैसे? इट इज़ ए प्रोसेस. 300 million years ago, before the dinosaurs, many giant plants died in cells.
बहुत साल पहले, बहुत पेड़ पौधे डायनासोर के टाइम से, उस टाइम से ज़मीन के नीचे दबते चले गए। द ओवर मिलियंस ऑफ ईयर द प्लांट वेयर बरीड अंडर वाटर एंड डर्ट, द रॉक्स एंड डर्ट सीक एंड ग्लेशियर बर्न द डेड प्लांट्स इन टू गोल्ड, सो द रॉक्स एंड डर्ट दैट इज टू बी जनरेटेड। कोल फॉर्मेशन प्रोसेस, कोल को कैसे हम प्रोसेस करते हैं, द इंक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट, द इंक्रीजिंग ऑफ हीट एंड कार्बन कंटेंट, हीट देंगे प्रेशर अप्लाई करेंगे, अगेन हीट देंगे प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो पीट उसको हम कोल नहीं बोलते हैं। हम तीन तरीके का कोल होता है, लिग्नाइट कोल, बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रासाइट कोल। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोल होता है दैट इज एंथ्रासाइट। ब्राउन कोल जो होता है वो लिग्नाइट कोल को, और बिटुमिनस कोल जो होता है वो सॉफ्ट कोल होता है। पार्शियली डिकेड प्लांट मैटर इन साइंस एंड बॉक्स, लो हीट कंटेंट, लो हीट कंटेंट, लो सल्फर कंटेंट, लिमिटेड सप्लाई इन मोस्ट एरियाज, एक्सटेंसिवली यूज एज ए फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स हाई हीट कंटेंट एंड लार्ज सप्लाई, नॉर्मली हैज ए हाई सल्फर कंटेंट, हाईली डिजायरेबल फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स हाई हीट कंटेंट एंड लो सल्फर कंटेंट, सप्लाईज आर लिमिटेड इन मोस्ट एरियाज। नाउ इट्स एडवांटेज, when the coal is burned it produces carbon dioxide that causes global warming. global warming kaise hoti hai, jab coal ko hum log burn karte hain to wahan se carbon dioxide nikalta hai aur us carbon dioxide se global warming hoti hai. since the coal contains impurities like sulfur and nitrogen it produces toxic gases during burning which causes acid rain and air pollution. the traces of mercury and radioactive compounds are also released when coal is burned. Now, oil and natural gas. India has about 0.04% of the world's proven reserve of the hydrocarbons. The prognosticated geological survey, the resource of the hydrocarbons in countries are 21.31 billion tons, of which 61% are offshore and 39% on land. The crude oil is made of many different compounds, each with its specific boiling point. Using distillation, we are able to separate out these compounds and turn them into commercial products, ranging from gas to as follows. Now, the petroleum gas obtained during the cracking and fraction distillation can be easily converted into liquid under high pressure as LPG. The natural gas is found above the oil in oil well. It is the mixture of 50 to 90% methane and a small amount of other hydrocarbon. If the natural gas contains large hydrocarbons like methane and ethane, it is called dry gas. If the natural gas contains higher hydrocarbons like propane and butane, it is called wet gas. Now, petroleum. Petroleum or crude oil is naturally occurring flammable liquid consisting of a complex mixture of hydrocarbon with a small amount of अभी हम क्लास ले रहे हैं, अंकित से बात करो, आधे घंटे बाद बात करो। हाइड्रोकार्बन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल वेट एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज फाउंड इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन बेन द अर्थ सरफेस। नाउ हाउ आर ऑयल एंड गैस मेड। 300 से 400 मिलियन ईयर ago Chini sea plants and animal died and were buried on the ocean floor. Over time, they were converted by layers of silt and sand. Ocean 50 to 100 billion years ago, sand and silt, plant and animal remains. Over millions of years, the remains were buried deeper and deeper
The enormous heat and pressure turned them into oil and gas. Today, we drilled down through layers of sand, silt, and rock to reach the rock formation that contains oil and gas deposits. Oil and gas deposits stand at silt rock. Now, the oil refining process. How the oil refining process occurs? We go that the furnace heated crude oil, asphalt, naphtha, grease, and wax that are obtained by the oil refining process, diesel oil, again heating oil, aviation fuel, and the gasoline that is to be obtained in another form of the gas. So, जितना ज़्यादा हम fuel को heat करेंगे, उतना ज़्यादा उसकी हमें octane number इसका increase होगा. Now, natural gas. The advantage. Amphel supplies 125 years high net energy and low cost with huge subsidies, less air pollution than other fossil fuels, lower carbon dioxide emissions than other fossil fuels, moderate environment impact, easily transported by pipeline, low land use, good fuel for fuel cell and turbines. Disadvantage: release carbon dioxide when burned, methane, a greenhouse gas, can leak from pipelines, ship across ocean as highly explosive LNG, sometimes burned off and wasted at wells because of low price. Advantages: the available and highly concentrated form, easy to store, reliable supply, lower cost per unit of energy produced as the technology is mature. Its disadvantage: high polluting, available only in few places, high running cost, limited supply, and will one day get exhausted. How does it works? The equipment: power consumption of what? 0 watt bulb, 12 watt mosquito repellents, 10 watt mobile charger, 5 watt voltage, 25 watt UPS, 40 watt cables at the box, 25 watt. Now, equipment running in a stand by mode, power consumptions in mode. Compact audio system that takes 27 watt, DVD, CD, VCD player, 12 watt, microwave oven, 6 watt, image printer, 5 watt, and TV, 22 watt. The data indicates Asian energy sources release 1256 million metric tons of methane, 3,298,000 metric tons of nitrous oxide, 1021 million metric tons of carbon dioxide, 1242 million metric tons carbon dioxide equivalent of hydrocarbons, perfluorocarbons, and sulfur hexafluoride. Now, what is conserve? We have limited fuels available on the earth. Our demand for energy is increasing day by day. It is possible that someday most of fuel will be exhausted and we will have to switch over to alternate energy. जैसे कि हम लोग जितना ज़्यादा तेज़ी से हम फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये माना जा रहा है कि एक टाइम के बाद फ्यूल की जो अमाउंट है वो बहुत कम हो जाएगी एंड वी मस्ट गो टू सम अल्टरनेटिव एंड वी विल गो ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम. Now, why energy efficiencies? The country facing power shortage. Peak shortage 13% है हमारे country में electricity की, और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि गाँव में जो electricity है वो बहुत कम हमें मिलती है, जिसके थ्रू हम लोग villages का development नहीं कर पाते. किसी भी country का जो development है वो depend करता है कि कितना electricity हम लोग generate करते हैं. Peak shortage में 13% है, एवरेज शॉर्टेज जो है वो 8% है. द एडिशनल पावर रिक्वायर्ड बाई 2012 1 लाख मेगावाट अप्रॉक्सीमेटली द दिस करोड़ इन्वेस्टमेंट. इंडियाज एनर्जी इंटेंसिव फॉर द यूनिट ऑफ जी डी पी इज हायर बाई 3.7 टाइम्स ऑफ जापान, 1.4 टाइम्स ऑफ एशिया, एंड 1.5 टाइम ऑफ यूएस. द हाइएस्ट वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी सेविंग पोटेंशियल. ईजी सोल्यूशन: energy item, lighting, action, saving. Energy item lighting में turns lights off when not in use and use daylight.
जनरली हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि रोड्स वगैरह की जो लाइट्स हैं वो दिन में भी ऑन रहती है, या हम लोगों को ज़रूरत नहीं है फिर भी हम लोग दिन में लाइटिंग ऑन किए रहते हैं। तो इसके लिए हमको लाइट्स ऑफ करना है, जिससे कि हमारा इजी सोल्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी का, जो हम लोग कंजप्शन कर रहे हैं उसको सेव करने का। सेविंग जो होगी इससे 8 to 20% ऑफ द लाइटिंग एनर्जी। नाउ हीटिंग ऑफ एयर कंडीशनिंग, सेट थर्मोस्टेट एज लो एज पॉसिबल। जैसे कि हम लोग एसी का जो टेम्परेचर है वो 16 to 17 degrees centigrade कर देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग हो, तो इस वजह से हमको एक सेट टेम्परेचर करना चाहिए थर्मोस्टेट कूलिंग का, जिसके थ्रू हमें बहुत ज़्यादा कूलिंग को जनरेट नहीं करेंगे, क्योंकि एसी का जो टेम्परेचर है उससे जो हमें क्वालिटी ऑफ एयर है वो नॉट सो गुड है। तो इससे हमें जो फॉर ईच डिग्री वी जो हम टेम्परेचर को जितना ज़्यादा रिड्यूस करेंगे तो 5% सेविंग होगी अगर हम उस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। हीटिंग एंड वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, लिमिट आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ टू एज टू हीटिंग एंड कूलिंग जोन्स एज पॉसिबल, अप टू 25% ऑफ द हीटिंग एंड कूलिंग कॉस्ट। हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, डू नॉट ब्लॉक एयर फ्लोज टू HVAC वेंट्स, अप टू 10% ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग कॉस्ट। हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, कीप डोर्स विंडोज क्लोज बाय HVAC लाइन्स, 1 to 25% ऑफ स्पेस कंडीशनिंग एनर्जी यूजेज। इन ऑफिस इक्विपमेंट टर्म्स ऑफ मशीन्स व्हेन नॉट इन यूज, अप टू 10% ऑफ बिल्डिंग एनर्जी स्टोर। नाउ ईजी सॉल्यूशंस फॉर द लो कॉस्ट एनर्जी आइटम लाइटिंग से एक्शन क्या है, हमें रिप्लेस इन कैंडेसेंट बल्ब विद कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट, इससे 50% लाइटिंग एनर्जी हमें मिलेगी। पहले हम लोग फ्लोरोसेंट बल्ब का इस्तेमाल करते थे, जिससे मिनिमम 60 वॉट बल्ब होता था, उसका वोल्टेज था 60 वॉट हमें मिलता था। अब हम लोग LED लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से 10 से 20 वोल्ट में भी हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी में ऑपरेट हो रही है, लाइटिंग बहुत अच्छी मिलती है। लाइटिंग रिप्लेस इनकैंडेसेंट एग्जिस्ट साइंस विद LED लैम्प, 5% ऑफ लाइटिंग एनर्जी। यूज मोर टास्क लाइटिंग एंड लेस ओवरहेड, 25 to 50% ऑफ लाइटिंग एनर्जी। परफॉर्म शेड्यूल मेंटेनेंस, अप टू 10% ऑफ स्पेस कंडीशनिंग एनर्जी। इंस्टॉल लॉकिंग कवर्स ऑफ थर्मोस्टेट्स, अप टू 10% ऑफ सिस्टम एनर्जी। सिलेक्टेड स्टूडेंट एनर्जी टीम टू मॉनिटर, अप टू 15% ऑफ टोटल फैसिलिटी एनर्जी। नाउ द एक्शंस, रिप्लेस T12 मिक्सचर विद T8 इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जैसे 20 से 30% लाइटिंग एनर्जी बचेगी। रिप्लेस मर्करी वेपर फिक्चर्स इन जिम्स और आउटडोर्स विद मेटल हैलाइड हाई प्रेशर सोडियम T8 RT5 हाई आउटपुट फ्लोरोसेंट्स दैट सेव द 100% ऑफ लाइटिंग एनर्जी। इंस्टॉल ऑक्युपेंसी सेंसर, अप टू 20% ऑफ लाइटिंग एनर्जी। इंस्टॉल एनर्जी स्टार लेवल प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट से 10 से 30% जो कंडीशनिंग है वो एनर्जी हमें बच रही है। इंस्टॉल एनर्जी स्टार लेवल्ड इक्विपमेंट दैट सेव 20 to 30% ऑफ स्पेस कंडीशनिंग एनर्जी। इंस्टॉल्ड एनर्जी स्टार लेवल्ड रूफिंग मटीरियल विथ हाई रिफ्लेक्टेंस, अप टू 10% ऑफ एयर कंडीशनिंग एनर्जी यूजेस। नाउ एनर्जी स्टार प्रोडक्ट्स मीट स्ट्रिक्ट एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड सेट बाय USEPA एंड द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। In 2005, the US saved energy to avoid greenhouse gas emission equivalents to those from 23 million cars, saved 12 billion on utility bills, helped avoid helped avoid 28,000 megawatt of peak power. Now, recycling is an excellent way of saving energy and conserving the environment. One recycled tin can put save through energy to power a television for 3 hours. One recycled glass bottle would save energy to power a
कंप्यूटर फॉर 25 मिनट्स, वन रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल वुड सेव एनर्जी टू पावर ए 60 वॉट लाइट बल्ब फॉर 3 आवर्स, 70% लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिसाइकल पेपर कंपेयर्ड विद मेकिंग इट फ्रॉम रॉ मटेरियल. नाउ यू कैन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट बाय स्विचिंग ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, यूजिंग रिफिल्स इंस्टेड ऑफ बाइंग ए न्यू पेन, बाइंग मटेरियल इज बल्ब विदाउट पैकिंग, by growing plants, by being vegetarian also you save energy, by encouraging food made of jowar, bajra instead of rice, by not wasting food, by using CLF bulbs are fuel. You save energy and protect the environment when you use digital cameras, LCD monitors, LNG or CNG or hybrid or electric vehicles, mechanical pencil, recycled paper, holders, products, oil lamps instead of wax candle, copper or bottom, stainless steel, utensils. Now summary, you have the power to make a difference. Humankind has not woven the web of life. We are but one thread within it. Whether we do to the web, we do to ourselves, all the things are bound together, all the things connect. Okay, thank you. So this is all about the renewable energy and its system. Okay.